जी नमस्ते अतुल भैया, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नमस्ते दीदी। जी भैया, मैं आपका हाँ, परिचय मेरी रखूं? आवाज हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है भैया। तो अतुल भैया प्रोफेसर हैं SVKM's द्वारका दास जे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई में। भैया ने पहला वर्कशॉप मई 2020 में किया और भैया वॉलंटियर भी कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के काम में, और जो कॉलिंग का काम चल रहा है उसमें भैया अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो मैं भैया से ही निवेदन करूंगी कि भैया अपनी बात को रखें। धन्यवाद दीदी और प्रणाम शर्मिला दीदी, गोपाल भैया, सभी को प्रणाम। मैं अतुल देवीदास राव ढाले, जैसे दीदी ने बोला कि मैं प्रोफेसर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट SVKM's द्वारका दास जे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई में। मेरे परिवार में मेरे पिता, भाई, बहन, पत्नी और दो प्यारी बेटियां हैं। बड़ी बेटी 12th स्टैंडर्ड में है और छोटी बेटी 4th स्टैंडर्ड में। मेरा मानवीय मूल्य का प्रवास मई 2020 में चालू हुआ, और वो भी बड़े योग संयोग से। तभी मैंने इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप किया और फिर मैंने फ़रवरी 2021 में रिफ्रेशर वन पार्ट वन ज्वाइन किया। वो कंप्लीट होने के बाद मैं वीकली मीटिंग्स ज्वाइन करना चालू किया और उमेश भैया के प्रोजेक्ट मई 2022 में रिफ्रेशर वन पार्ट टू ज्वाइन किया। उसमें कंटेंट की और बारीकियों से ध्यान जाने लगा, मेरी मेरे प्रति क्या भागीदारी होनी चाहिए और मेरी फैमिली, सोसाइटी और नेचर और एग्जिस्टेंस में क्या भागीदारी होनी चाहिए, उसमें ध्यान जाने लगा। फिर जितना भी पॉसिबल है उतना वॉलेंटियरिंग का काम करने की कोशिश करने लगा। उसके बाद अप्रैल 2022 में कॉन्फ्रेंस में जाने का, पुणे कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला और वहां पे मुझे पता चला कि यूएसए में जो भी बोला जा गया है वो सिर्फ बोला नहीं जाता, वो जिया भी जा सकता है। कुमार भैया, उमेश भैया को मिलने का अवसर मिला और उनके साथ 3 दिन रहकर लगा कि जीवन में जीवन कितना सरल जिया जा सकता है। कुछ आइडियल लग रहा था वो ये लोग अपने जीवन में जी रहे हैं और उसके कारण मुझे और प्रेरणा मिली। पुनः कॉन्फ्रेंस के बाद जून 2022 में मैंने मॉर्निंग सेशंस के लिए नाम दिया और खुद को और एक्सप्लोर करने का प्रयास करने का अवसर मिला और प्रयास करता रहा। मेरा ये 5वां मॉर्निंग सेशन है और एक बार UHV 3 सेशन भी किया। इस बार मुझे लगता है कि मेरी समझ थोड़ी और बढ़ी, मुझे और एक्सप्लोर करने का मौका मिला। अभी जुलाई 2 से 4 तक मुझे और दत्ता मैगी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 3 डेज फेस टू फेस वर्कशॉप में एज एन ऑब्जर्वर अटेंड करने का मौका मिला। तो अभ्यास एक में स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का प्रयास किया। जब मैं अभ्यास शुरू किया तब इतनी तो समझ हो गई कि कल्पनाशीलता अपने में कंटिन्यू चलती है, लेकिन कभी उसे देख सकते हैं और कभी नहीं। लेकिन कल्पनाशीलता को देखने का खास प्रयास किया तो वो कभी अभी देख सकते, और बहुत बार ऐसे देख पाता हूं कि मेरी कल्पनाशीलता में एक विषय से दूसरे विषय पर शिफ्ट होती है। लेकिन अभी ये 5वीं मॉर्निंग सेशन के कारण मुझे मेरे ध्यान की वस्तु को खुद ही मेरे अवेयरनेस में तय करता हूं, लेकिन कुछ समय मेरा अवेयरनेस के बिना भी तय होती है, लेकिन उसका प्रमाण कम हुआ है। और मेरा प्रयास रहता है कि मेरी इच्छा, विचार, आशा को अलग-अलग करके देख पाऊं। जब भी किसी से सहमति नहीं होती तभी पता चलता कि मेरे भाव बदल रहे हैं और उस समय कुछ डिस्टर्ब में होते हैं। अभी हर वक्त मैं
देख पाता हूं। जब भी अहम के भाव आते हैं तो मैं देख सकता हूं, लेकिन तभी ये भी ध्यान में आता है कि अपोजिशन के भाव मुझे सहज स्वीकार्य नहीं, क्योंकि उस समय आराम में नहीं रह पाता, संगीत में नहीं होता। इसमें ये भी देख सकता हूं कि जो भी भाव विचार चल रहा है, वो रिलेशनशिप का हो या अपोजिशन का, उसका निर्णय मैं ही लेता हूं। कोई भी बाह्य परिस्थिति में या कोई भी दूसरे व्यक्ति के बच्चे में नहीं लेता, ये निर्णय अपना खुद का ही होता है। ये भी मैं अभी देख पाता हूँ। मेरे अपने भाव विचार चलते रहते हैं, उसका निर्णय सही समझ के आधार पर लेना चाहिए, ये देख पाता हूँ। ये समझता तो है, लेकिन हर वक्त जो भाव विचार चलते हैं, उसका निर्णय हर समय सही समझ में नहीं ले, उसके लिए मुझे अपने आप में और काम करने की आवश्यकता है, और वो करने का प्रयास मैं निरंतर करता रहूंगा, ताकि मैं आराम में, संगीत में और सुखी रह। मैं मेरे जीवन के बदलाव के बारे में बात करूं तो मुझे इतना तो अभी समझ में आता है कि हर एक मानव के साथ मैं संबंध में, ये संबंध को समझना और समझ के साथ जीने की आवश्यकता है। इस मॉर्निंग सेशन के कारण मैं सजग रहता हूँ, घर में कभी मेरे विचार के अनुसार नहीं हुआ तो मुझे अभी ज्यादा इरिटेशन नहीं होता। यही पहले, यानी 2.5 साल पहले, मेरा इरिटेशन बहुत ज्यादा होता था। फिर 2-3 दिन पत्नी से बातचीत बंद हो जाती थी, लेकिन अभी मैं देख पाता हूँ कि मेरा इरिटेट होना कम हुआ है। और बातचीत बंद होने का वक्त लास्ट 2 साल से आया नहीं, बल्कि अभी संभाषण होने लगा। और संभाषण के वक्त जब भी अपोजिशन का भाव आता है, तो वो मैं देख सकता हूँ कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ, और फिर मैं प्रयास करता हूँ कि रियलिटी क्या है उसको समझने की, और फिर अपोजिशन का भाव कम होता है और आगे संभाषण कर पाता हूँ। सही समझने की कोशिश करता हूँ, और इसलिए मैं ये देख पाता कि मैं आराम में रह सकता हूँ। मेरी अभी बड़ी बेटी जो 12th में है, वो मुझे बहुत बार बोलती है कि छोटी बोटी खेलने के बाद में वक्त पे घर पे नहीं आई तो आप उसे चिल्लाते हैं, लेकिन मुझे तो आप बहुत चिल्लाते थे। मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे लोकल ट्रेन से जाना पड़ता है, और स्पेशली मैं डोंबिवली से किले पार्ले तक प्रयास करता हूँ। तभी उस दौरान भी मैं ये देख सकता हूँ कि किसी का धक्का लगता है या अंदर घुसने की लिए जोर लगा के धकलते हैं, तो उस समय मेरे भाव कैसे बदलते हैं। मैं 2 साल पहले, मुझे इन चीजों से बहुत इरिटेशन होता था, लेकिन मॉर्निंग सेशन के कारण, जनरली मैं 6:30 to 7:30 सुन के मैं 7:45 8 o'clock ट्रेन पकड़ने के लिए निकलता हूँ, तो सुना हुआ कंटेंट वेरीफाई करने का भी मौका मिलता है, और इसके कारण मैं अभी बहुत आनंद में मेरा सफर होने लगा। इतना ही नहीं, कॉलेज में भी छोटे छोटे इंसिडेंट्स में मेरे भाव कैसे हैं ये देखने की आदत सी हो गई। जब भी मेरे सोच के विरुद्ध होता है तो मेरे भाव कैसे हैं, मेरे फेवरेबल एक्सप्रेशन है तो मेरे भाव कैसे हैं, ये मुझे दिखता है। लेकिन मैं ये भी देख पाता हूँ कि ये मेरे सुख दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार, पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ, और इसके लिए मैं प्रयास करता कि अपने में परिमार्जन हो, सुधार हो, मेरे सुख दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार न बनाए। मुझे समझ में आया कि जो भी निर्णय लेना है वो समझ के आधार पर होना चाहिए, ना कि मान्यता के आधार पर। लेकिन जो 40-45 साल के संस्कार हुए, वो 2 दिन, 2-3-4 साल में पूर्णता मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन मैं ये देख पाता हूँ कि जब समझ के आधार पर भाव का निर्णय करता हूं, तो सही सहज भाव का निर्णय कर आराम में रह सकते हैं, और जब मान्यता से आधार पर भाव का निर्णय करता हूं, तो यह निश्चित नहीं होता कि आराम में रहेंगे।
या परेशान रहें। इसलिए अपने में समझ को सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस करता हूँ और उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव भी मुझे सहज स्वीकार्य है, ये मैं देख पाता हूँ। इसलिए व्यवस्था और सहअस्तित्व को अच्छी तरह से समझना मेरी मूलभूत आवश्यकता है और इसलिए मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के भाव के अर्थ में सुनिश्चित कर मैं सुखी होता हूँ, लेकिन हर क्षण ऐसा सुनिश्चित नहीं कर पाता। लेकिन मैं प्रयास करता रहूंगा कि संबंध, व्यवस्था संपूर्णतः मैं समझने के आधार पर मेरा भाव सहज रूप से संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के अर्थ में रहे और मैं निरंतर सुखी रहूं। अभ्यास दो के बारे में बात करूं तो मैं और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखना हुआ, मैं और शरीर दोनों अलग अलग वास्तविकता है ये देख सकता हूं। उन दोनों की जरूरतें भी अलग अलग हैं और मैं देख पा रहा हूं कि मैं हूं और शरीर भी है। मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है ये देख सकता हूं। मैं शरीर को एक साधन के समान उपयोग करता हूँ, जो भी करना है उसके लिए मैं शरीर को सूचना देता हूँ और शरीर से करवा लेता हूँ। शुरुआत में ऐसा लगता था कि शरीर में जो संवेदना होती वो कभी कभी पड़ पाता था, लेकिन धीरे धीरे ये शरीर में होने वाली बहुत सारी संवेदना को पढ़ रहा हूँ। बाद में ये भी पता चला कि शरीर को संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय, सूचना के आदान प्रदान का निर्णय पूरी तरह मेरा है। और इसमें यह भी समझ में आया कि मैं शरीर को अपने निर्णय अनुसार चलाता हूँ। साधन की तरह प्रयोग मैं और शरीर के बीच दूरी है ये भी देख सकते हैं। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव संवेदना के रूप में शरीर पर पड़ता है। इन संवेदनाओं को पढ़ना है या नहीं इसका निर्णय मैं करता हूं। मैं अपने संस्कार के साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूं। यह सब मेरे संस्कार पर निर्भर करता है, इसलिए अपने संस्कार को देखने की जरूरत है कि यह सही समझ पर आधारित है या यह मान्यता पर आधारित है। अभी तक इतनी समझ हो गई कि बाहर की घटनाओं के प्रति अपनी अनुक्रिया को देखना चाहिए, लेकिन आज तक वो स्वभाव नहीं बन पाया। इसमें अभी काम करने की आवश्यकता है ऐसा प्रतीत हो रहा है और इसमें निरंतर काम करना चालू है। मुझे बहुत बार ऐसा प्रतीत होता है मेरे संस्कार कुछ मान्यता और कुछ समझ पर आधारित है और इसलिए मैं स्वयं में निरंतर सुख की स्थिति का सुनिश्चित नहीं कर पाता हूं। लेकिन इतना है कि ये पांचवें मॉर्निंग सेशन के बाद सुख की स्थिति का प्रमाण और इसलिए मैं प्रयास करता रहूंगा कि मेरे निर्णय सही समझ के आधारित होने चाहिए, ना कि मान्यता के आधारित। मेरा होना, शरीर का होना, ये सब शून्य में है और शून्य के सह अस्तित्व में है। ये समझ में तो आया है लेकिन व्यवहार में आना बाकी है और उसके लिए मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा, ये मेरा आप सभी लोगों को आता है। सुख स्वभाव है या प्रभाव? सुख स्वभाव है, इसकी क्लैरिटी तो हुई है, लेकिन उसको स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए अपने भाव सही समझ के आधार उसके लिए हर दिन पूरा समय मैं के अर्थ में कोशिश करता हूं और मैं पूरी कोशिश करता
करता रहूंगा। कमिटमेंट अगर देखा जाए तो मेरे स्वयं के समझ के लिए मैं मॉर्निंग सेशन के अलावा मैं ट्राई करता हूँ कि हर समय, इवन कॉलेज में भी, हर सेमिस्टर में मैं UHV पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कंटेंट जुड़ा रहता हूँ और उसके कारण जो और फैकल्टी मेंबर्स से जो UHV लेते हैं उनके साथ डिस्कशन होता है, और उसके कारण मैं देख पाता हूँ कि मैं बहुत सारा समय सजग रहता हूँ। कम से कम हर समय मैं मेरे भाव देखने की, मेरी सजगता बड़ी। वैसे तो मैं बहुत कम प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन आम सभी लोगों के प्रश्नों से मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलता है, और बहुत बार तो आपके प्रश्नों से मेरी समझ और वृद्धिंगत होती, और इसलिए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता आप सभी साथियों के लिए। धन्यवाद दीदी। जी धन्यवाद अतुल भैया। अभी मैं शर्मिला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी अतुल भैया की शेयरिंग के बारे में अपने फीडबैक को रखें। जी नमस्ते अतुल जी। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। आपने बहुत एक बिंदुवार ढंग से सारे पॉइंट्स को एड्रेस किया, और आप अपने अंदर बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो भी आपने बातें कही उससे जाहिर है कि आप अपने अंदर काफ़ी हद तक चीज़ों को देख पा रहे हैं, और आपने ये भी बताया कि कहाँ कहाँ आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत है। तो यही प्रोसेस है, एंड मुझे लगता है आपकी भागीदारी भी काफ़ी सारी है। ऑल्दो मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट अगर आप चाहें तो उसके बारे में भी थोड़ी बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रोसेस तो है ही लंबा, लेकिन जैसे जैसे हमारा ध्यान चीज़ों पर जाते रहता है, वैसे वैसे हमारे अंदर जो भाव जब सही होते जाते हैं तो हम आराम में भी आते जाते हैं, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन होता है। जो आपने भी बताया तो सबके लिए भी मुझे लगता है बहुत प्रेरणादायक होती हैं ये शेयरिंग्स, क्योंकि हम जैसे जैसे अपने अंदर चीज़ों को देखते हैं, एक तो हमारी जब हम शेयरिंग के लिए तैयारी करते हैं तो हमारा अपना एक तरह से स्टॉक टेकिंग होता है, जो अपने अंदर के हमारे कहाँ तक क्लैरिटी बनी है और कहाँ काम करना है इसकी और अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है, और दूसरा जब हम शेयर करते हैं तो औरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं कि और लोग जो वहाँ तक ना पहुँचे हों तो वो कुछ चीज़ों को देख पाते हैं और अपने में ढालने की भी कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ तक के लिए बहुत बहुत बधाई, और आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद देवी। धन्यवाद जी धन्यवाद अतुल भैया, शर्मिला दीदी।